भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की नगरी बलदेव में आज होरंगा का आयोजन हुआ। होरियारनों ने होरियारों के वस्त्रों को फाड़ा और उन्हीं वस्त्रों का कोड़ा बनाकर होरियारों के नंगे बदन पर बरसाया। भांग की मस्ती में मस्त होरियारों पर प्रेम रूपी कोड़े बरसते रहे। इस होरंग को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में अबीर गुलाल बरसने लगता है, जिसके बाद फिर टेशु के फूलों से बने रंगों की बरसात की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के स्वरूप को ऊंचे मंच पर विराजमान किया जाता है और यह होली भगवान बलदाऊ पर केंद्रित है। भले ही राधा कृष्ण की होली का समापन धूल की होली के साथ हो गया हो, लेकिन कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलराम जी की नगरी में होली का स्वरूप होरंगा आज देखने को मिला। अनोखे तरीके से खेली गई इस होली में ग्वालों के कपड़े फाड़कर कोड़ा बनाकर होरियारनों ने उन्हीं के नंगे बदन पर बरसाया। हर जगह होली समापन हो गया हो, लेकिन ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली होली की गूंज अब भी यहां बनी हुई है। हाथों में बाल्टी लेकर मंदिर परिसर में नाचते होरियारे दोपहर 12 बजे के बाद यहां पर एकत्रित होना शुरू हुए। जैसे ही मंदिर के अंदर से बलराम जी की छड़ी रूपी झंडा आया तो यहाँ पर मौजूद होरियारनों ने उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया, कपड़ों के रंग में भिगोकर कोड़ा बनाया और बरसाना शुरू कर दिया। होरियारों ने दाऊजी महाराज के जयकारे लगाते हुए मंदिर की परिक्रमा की। होरंगे के दौरान होरियारे इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह कभी अपने साथियों को कंधे पर बैठा लेते हैं और कभी उन्हें गिरा भी देते हैं। इस दौरान लगातार कपड़े के बनाए हुए कोड़े से होरियारे इन ग्वालों पर वार करती रहती हैं। इस दृश्य को देखकर यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है कि बरसाने नंदगांव और गोकुल के बाद की लठामार होली खेलने के बाद बलदाऊ जी ने पूरे ब्रज के सभी गोपी और ग्वाल वालों से कहा कि आप हमारे यहां आओ और हम तुम्हें क्षीर सागर में नहलाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और आपकी होली की थकान मिटाएंगे। इस पर सभी गोपी और ग्वालवाल बलदेव नगरी पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान बलदाऊ भांग के नशे में मस्त थे, ड्रामों में पानी भरा हुआ था और फिर क्या था, गोपी गुस्से में आ गईं और बलदाऊ जी सहित सभी ग्वालों के कपड़े फाड़ उनके कोड़े बनाकर उनकी मजामत कर दी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और इस होली में पांडे समाज के महिला पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। महेश कांत पांडे गोस्वामी गोस्वामी जी बताया, आज आपने होली के लिए गुड़वर होली हुई है। होली के दो दिन बाद जोज को होरंगा महोत्सव का बलदेव मंदिर प्रांगण में आयोजन होता है। सेवायत गोस्वामी परिवार की सभी महिलाएं और सभी सेवायत गोस्वामी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में लहंगा फरिया में सेवायत गोस्वामी की परिवार की बहुएं और धोती और बगलबंदी में या सेवायत गोस्वामी परिवार के बच्चे यहाँ आकर होली होरंगा का आयोजन होता है, उसमें होरंगा खेलते हैं। पिछले दो दिन पूर्व ही मंदिर में 12 होलियां बनी। देखने को मिल रहा है कि आपके शरीर पूरे पे कोड़े के निशान बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये प्रेम के पागल भाभियों ने प्रेम से हमारे वस्त्र फाड़कर उनको पानी में भिगोकर हमारे ऊपर ही उन्होंने मारना शुरू किया। उनकी मार है या देख देख जा हो रही है, ब्रह्मा को जी ललचाए, ब्रह्मा जी का भी जी इस होली को देखने की ललचाता है। यादवेंद्र पांडे जी, आज होरंगे का आयोजन हुआ है, क्या परंपरा है और किस तरीके से खेला जाता है? वर्षों पुरानी परंपरा है, जो महिलाएं अपने में अपनी घर की महिलाएं जो अपने अपने पुरुषों के साथ खेलती है, यहाँ कपड़े का कोड़ा बनाकर उसे पानी में भिगोकर मारा जाता है। हम देख रहे थे कि नंगे बदन कोड़े पड़ रहे थे, तो आप लोगों के बदन पर कपड़े वो छोड़ती नहीं है, कपड़ों को लेती है। पहले नृत्य होता है, उसमें कपड़ों को फाड़ लिया जाता है, उसके बाद उन्हें ढीला करके उन्हीं को कोड़ा बनाकर और मार लगाई जाती है। कहते हैं कि वो प्यारे होते हैं, वो पहले भांग पी लेते हैं। हाँ, भांग नहीं पियेंगे तो फिर मार कैसे खाएंगे? बिना भांग के तो शरीर झेल ही नहीं सकता है, तो पहले उसके लिए बाबा का प्रसाद लगता है, भांग भोग लगता है, उसका सभी में प्रसाद वितरित होता है, उसके बाद फिर सब लोग होरंगा खेलते हैं। पूरे ब्रज में होली समाप्त हो जाती है तब दाऊ जी महाराज के यहाँ होरंगा का आयोजन किया जाता है और विश्व प्रसिद्ध होरंगा है, जहाँ सारे जेठ भाभी देवर सब मिलकर होली खेलते हैं। बोलो दाऊ हम कब आएंगे या उत्सव के बीच में या उत्सव में हम कब समझे तो होली को छेल मत वारो तेरी सखिया ने ऐसो चटक रंग डालो एक दिन ही रंग डारो
लपट झपट मोती चिपट गयोरी, लपट झपट मोती चिपट गयोरी, अरे नैनन कजी रान्यारो। क्या नाम है आपका? होली की क्या महत्व है? पूरा तो क्यों मारते हैं? आज मेरा दिन है होली रे सिया, होली रे रसिया बंजोरी रे रसिया, गाम के कुमार कन्हैया कोने गा मेरा रघुरी रे रसिया। आज यहाँ कपड़ा फाड़ होली देखी आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम हर साल आते हैं, बहुत आनंद आता है। आज ऐसा कलर कहीं नहीं मिलता, जितना प्रेम लोगों के है आपस में वो कहीं नहीं दिखता है। आपने भी कपड़े से पिटाई की यहाँ के जो खुले का, उत्तर प्रदेश देश का, ये हमारा जो होरंगा है दाऊ जी महाराज का बलराम जी की। ये 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। यहाँ भगवान बलराम और कृष्ण भगवान दोनों देवर भाभी से एक साथ होरंगा खेलते हैं। ये भगवान सौबरी जी के वंशज श्रीमद गोस्वामी कल्याण रेवाचार के जो वंशज हैं सेवायत गोस्वामी, उनके परिवार के द्वारा ही होली खेली जाती है। यहाँ टेसू के रंग से होली के लिए रंग बनाया जाता है और 20 मन गुलाल, 20 मन अबीर और केसर की व्यवस्था की जाती है, फूलों की पत्तियों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर साक्षात 33 कोट देवी देवता हमारे गोस्वामी परिवार के रूप में उपस्थित देकर के होरंगा खेलते हैं। ये परंपरा है सब जग होरी या बल होरा, और होरी को खसम होरंगा, और होरी तो छोरी के गांव की पे होरंगा बड़ा बल रहा। ये भगवान कृष्ण ने जो चीर हरण किया था उसका बदला ले रही है, और एक दृष्टि से हम जीवों के जितने भी पाप कर्म है उन सबका हरण कर रही है। जय श्री कृष्ण। देखिए पूरे 40 दिन तक आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली देखी। इस होली को देखकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मन में भी होली खेलने का आया विचार, तो उन्होंने फाल्गुन मास के समापन के बाद चैत्र मास में अपनी होली शुरू कर दी। उनकी होली को होरंगा के नाम से जाना जाता है। आज बलदेव के दाऊजी मंदिर में आप देख रहे हैं, ये बलराम जी का होरंगा है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई है, राधा के जेठ लगते हैं, तो यह मर्यादा के साथ उन्होंने होली खेली है। राधा जी और उनकी सखियों ने घूंघट की ओट में से उनके ऊपर रंग गुलाल डाला है, और जब उन्होंने सखाव ने आप देख रहे हैं बाल्टियों से रंग डाल रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनके कपड़े फाड़ कर उनकी भिगो भिगो कर पिटाई किया कोड़े बनाकर। इस होली को कपड़ा बार होली भी कहते हैं, कोड़े बार होली कहते हैं, और इसका जो प्राचीन पारंपरिक नाम है वो बलदेव का दाऊ जी का होरंगा है। और आज इस होरंगा में आप एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ जो रंग डाला जाता है कई कुंटल टेसू के फूलों का पारंपरिक रंग बनाया गया है, उसी रंग का प्रयोग हो रहा है मंदिर में। एक एक फीट पानी जमा हो गया रंग का, और केसर या रंग उसकी महक आ रही है, सुगंध आ रही है। तो आज आप अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दाऊ जी का प्रसिद्ध होरंगा, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया के दिन ही होता है। जय श्री कृष्ण। और मैम आज बलदेव में होरंगे का आयोजन हुआ, तमाम होलियां ब्रज में हुई, किस तरीके की व्यवस्था रही और क्या संदेश दे रहे हैं? ये ब्रज में जिस तरह की होली मनाई जाती है, विश्व में कहीं और इस तरह की होली का प्रचलन नहीं है, और ये बहुत ही सुंदर रूप से तरह तरह से, चाहे वो फूल मारो, चाहे लट्टू मारो, चाहे लट मारो, चाहे उड़ंगा हो, चाहे रंग भरनी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से भांति भांति के ढंग से ब्रज में ये होली मनाई जाती है। पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था थी, और सभी कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही पीसफुल रूप से संपन्न हुए हैं, और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी कि जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की और जिस तरह का यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किया उन्होंने, वो वाकई में बहुत ही अनुसरणीय है, और
अद्वितीय है और सब चीज इस तरह से शांतिपूर्वक करवाना अपने में एक चैलेंज था जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने निभाया।